Welcome students to the session of Phanerogamic Physics. Today our topic of discussion is eddy currents. What is eddy current? Eddy current kya hai? Basically these are the circulating currents. Yes, of course this topic deals with electromagnetic induction, but how? Let's see. Eddy currents basically hai circulating currents. Circulating currents. But electromagnetic inductions कैसे इसे एक्सप्लेन करेगा? फर्स्ट जस्ट रिमाइंडर फॉर यू स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर फ्लक्स चेंज होता है, चेंज फ्लक्स चेंजेस, वेदर इट इंक्रीजेस चाहे वे बढ़े और डिक्रीजेस या वो कम हो, इन बोथ द केसेस व्हाट हैपन, द EMF is induced in the circuit. आपका करंट बनता था सर्किट में. हाउ इज ही अगेन फ्रेडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जस्ट अ रिमाइंडर, हम यहाँ पे नॉर्थ और साउथ बार मैग्नेट की बात करें. दिस इज नॉर्थ पोल. नाउ वी हैव सीन द करंट इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट. सिंपल आप एक क्वाइल कंसिडर कर लें. वेन वी स्टार्ट मूविंग द मैग्नेट टूवर्ड्स द क्वाइल, ऑब्वियसली नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स लिंक विद द क्वाइल इंक्रीजेस. And when we start moving away the magnet, तो flux कम होता था. लेकिन both cases में current is there and that current is known as induced current. Flux के change होने के कारण current बनता था. Simple भाषा में अगर हम कहें, flux के बदलने के कारण current बनता था. So the same thing is with eddy currents. के eddy currents same चीज है. So answer is no. Eddy currents are not the same things. These are a bit different. How? Let's see. अब फ्रेडे के केस में आपको पता है कि क्वाइल की मूवमेंट के कारण और मैग्नेटिक मूवमेंट के कारण फ्लक्स में बदलाव आता था. बट हियर वी कैन कंसीडर अ सिंपल कंडक्टर. हम सिंपल कंडक्टर किसी भी शेप, सिंपल फॉर सिंपलिसिटी, इट इज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में उसे रखें, तो ऑब्वियसली व्हेन इट इज कैप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड इज वेरिंग, या तो कंडक्टर को आप वेरी कर रहे हो, कंडक्टर में मूवमेंट कर रहे हो या फील्ड में मूवमेंट कर रहे हो, इन दिस केस अ टाइप ऑफ करंट आर जनरेटेड विच आर इन सर्कुलर. वहां पे क्या था, क्वाइल इज अ कंप्लीट सर्किट, वो एक सर्किट था, बट दिस कंडक्टर इज नॉट अ सर्किट, इज अ कंडक्टिंग. कोई प्लेट रख लीजिए मेटल ओवर व्हाट सो एवर यू कैन कंसीडर, अगर उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या ऑब्जर्व किया गया कि The type of currents are formed like that. इस टाइप में currents बनते थे. These are circulating currents. ये circulating currents होते थे. These are called circulating currents. अगर हम इसके example दें, तो whenever we throw a pebble on a pond, किसी भी तालाब में अगर pebbles फेंकते थे, जैसे many children used to play like that, कि जहाँ भी water थोड़ा सा इकट्ठा है, वहाँ पे they throw pebbles, and you can observe, वहाँ पे ऐसे ripples बनते थे. These ripples, water waves जो बनती थी यहाँ पे, it is like this. तो that shows कि this is basically a circulating in nature. तो ये circulating currents कैसे आए? इसके लिए we will do one of experiments. इसमें हम एक experiment करके देखते हैं. A type of experiment is performed for this, and it is proved कि जब कोई conductor external magnetic field में move करेगा, वेरिंग मैग्नेटिक एक्सटर्नल वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा, सर्कुलेटिंग करंट्स आर प्रोड्यूस्ड. एंड लेट्स सी हाउ. दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल सेटअप. दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर जनरेटिंग द एडी करंट्स. यहाँ पे आपका नॉर्थ और साउथ पोल है, एंड दिस इज योर कॉपर प्लेट, मेटल प्लेट, अ कंडक्टिंग प्लेट. अब बात करते हैं कि अगर हम इसे सिंपली रोटेट करें, जस्ट इसे फिक्स एंड से अगर हम इसे रोटेशन करते हैं, जस्ट लाइक अ पेंडुलम इट मूव्स टू एंड फ्रो, तो इसके सिंपल मोशन में टाइम, सपोज टाइम लगा उसमें आपके लिए 10 सेकेंड्स, और यू कैन से सिंपली 10 टू 12 सेकेंड्स इसमें टाइम लगा है इसे डैम्प होने में या खत्म होने में इसके मोशन में. व्हाट हैपन, लेकिन जब हम इस कॉपर प्लेट, व्हेन इट पास थ्रू दिस मैग्नेटिक, अब इसे ऑसिलेट करवाया गया मैग्नेटिक फील्ड के भीतर, तो व्हाट विल हैपन, जब ये मैग्नेटिक फील्ड से पास होगा, इस जोन में आएगा,
what will happen when it passes through this zone, there will be a इसके टाइम पीरियड जो होगा जो 10 सेकंड्स पहले टाइम था इट इज रिड्यूस्ड टू 3 टू 4 सेकंड्स और 5 सेकंड्स यू कैन से 5 सेकंड्स 4 टू 5 सेकंड्स ये रिड्यूस हो जाएगा. नो व्हाट हैपेंड इट मींस उसका मोशन जो है यहां पे डैम्प्ड हो गया. दैट मोशन इज डैम्प्ड. ये मोशन डैम्प्ड हो गया. दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इस चीज को एक्सप्लेन करेगा ये मोशन डैम्प्ड क्यों हो गया. अब हुआ क्या, वी हैव डन कि अभी हमने बात की थी कि जब भी एडी करंट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, बेसिकली दीज आर सर्कुलेटिंग करंट्स. सर्कुलेटिंग करंट्स किस में थे ये करंट्स, विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू, व्हेन अ कंडक्टर इज सब्जेक्टेड टू, सब्जेक्टेड टू move in a varying magnetic field. magnetic field यहाँ varying magnetic field electromagnets create कर रहे हैं north and south. so यहाँ कौन सा field create हो रहा है, obviously the lines are moving like that, this is a varying magnetic field which is created in this direction. यहाँ पे varying magnetic field के create इसके move होने से क्या हो रहा है, there is a change in flux. flux is changing. वो कह रहा है जब यहाँ पे it's moving like that ऑब्वियसली फ्लक्स जीरो से फाइव तक चेंज हो रहा है. अब फ्लक्स जब जीरो से फाइव तक चेंज हो रहा है तो व्हाट इज फ्लक्स इज इंक्रीजिंग. और अब अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, लेंस लॉ क्या बोलता था कि जब भी व्हेन एवर वी ब्रिंग अ मैग्नेट नियर अ कॉइल, अगर मैग्नेट को किसी कॉइल के नियर लाएंगे व्हाट विल हैपन, यहां पे जो करंट जनरेट हो रहा था फ्लक्स के चेंज होने के कारण व्हाट विल हैपन. Now, this type of current में ऐसी polarity आएगी कि this end will behave like a north and it will oppose any kind of change. किसी भी तरह का change, चाहे increasing वाला change था चाहे decreasing वाला था, जब flux increase होता था चाहे decrease होता था, Lenz law बोलता था, Lenz law says, Lenz law ने कहा था कि वो flux को oppose करेगा. तो similarly यहाँ पे जब flux generate होगा it will be opposed. How? See friends, this is the north pole, this is your south pole. Now the magnetic lines are going like that. Now the as it starts moving, so circulating current जब generate होंगे तो with the right hand अगर हम thumb rule की बात करें तो see ऐसे आपका thumb it will pointing towards up, that is north is here and this is also north polarity. तो जब हम इस curl को rotate करेंगे like that, it means जब ये rotate होगा it will like that. और अगर हम इसे ऐसे rotate करेंगे it is rotated like that. The rotation या तो ऐसे होगी या ऐसे. तो अगर इस टाइप में रोटेट हो रहा है तो ऑब्वियसली द थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की साइड को थंब इज पॉइंटिंग. सो नाउ दिस नॉर्थ एंड नॉर्थ पोलैरिटी विल रिपेल और इसके रिपल्शन से ऑब्वियसली यहां पे अब क्या आ जाएगा, वो अपने कोर्स को अपोज कर रहा है, रिपल्शन विल बी देयर एंड दिस रिपल्शन इज क्लियरली इंडिकेटिंग कि फ्लक्स जब चेंज हो रहा था तो उसके कोर्स को अपोज किया गया. एंड दिस इज हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन explains that जब कभी किसी कंडक्टिंग प्लेट को मैग्नेटिक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए and it start rotating in that field, so the eddy currents are produced and they are opposed in the similar manner जो according to Lenz law में क्या था कि अपने ही course को ये oppose करेंगे, क्योंकि यहाँ flux generate होगा due to this and that will be opposed with plates changing and change its flux. Magnetic flux ke change hone se ye use oppose karega. This is given by Lenz law. So students, just in a brief, when a copper plate, that is conductor, is allowed to swing like a simple pendulum, to tab time kitna lagta tha, then time period was more. Suppose it is 10 seconds, 15 seconds, lekin jab humne use पेंडुलम के रूप में इसे स्विंग करवाया इन द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग एंड वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने देखा इसका मोशन डैम्प्ड हो गया और उस डैम्प्ड मोशन को एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ने. सी इट इज आल्सो रिटन हियर, व्हेन अ कॉपर प्लेट इज अलाउड टू स्विंग लाइक अ सिंपल पेंडुलम बिटवीन द पोल पीसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, इट इज फ्रॉम दैट मोशन इज डैम्प्ड.
This can be explained on the basis of electromagnetic induction. Flux associated with this conductor, phi B, keeps on changing. Phi B किससे associated है? It is associated with the conductor, keeps on changing and eddy currents are produced. Circulating currents बनेंगे, eddy currents are produced in copper plate. And direction of current is such that, जब ये यहाँ पे rotate करें तो north polarity इसने occupy कर ली. When direction is such that it acquires a north polarity. इसमें कौन सी polarity आ गई? It acquires a north polarity. इसमें जो polarity है, that is your north polarity. And what happens? And the motion of the plate is now damped. And this north polarity को explain किया था Lenz's law की help से. हमने बताया था कि वो अपने ही course को oppose करेगा. And due to account of repulsion from the north pole, इसका motion क्या हो गया? Damped. This is what the eddy currents are produced in this way. So you have to remember how eddy currents are produced. Eddy currents कैसे produce होते थे? Simple सी बात है, अगर आप इसे simple way में remember करना चाहते हैं, ये एक तरह के circulating currents हैं. जब हम किसी conductor को, metal plate को, for a simplicity आप कह सकते हैं, अगर varying magnetic field में rotate करवाएं या varying magnetic fields में से एसोसिएट करवाएं, देन व्हाट विल हैपन, एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड. एंड दीज एडी करंट्स बेसिकली क्या कर रहे हैं? दे आर प्रोड्यूसिंग डैम्पिंग. ये हमने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा. सो स्टूडेंट्स, फाइनली वी कंक्लूडेड एडी करंट्स आर जनरेटेड इन कॉपर प्लेट व्हाइल एंटरिंग एंड लीविंग द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जैसे कॉपर प्लेट मैग्नेटिक फील्ड में आई थी और मैग्नेटिक फील्ड उसने लीप किया था, उससे क्या प्रोड्यूस हुए थे? एडी करंट्स. एंड उन एडी करंट्स के कारण क्या हुआ था? एडी करंट्स के कारण उनमें पोलैरिटी डेवलप हुई थी कॉपर प्लेट में, विच इज व्हेन इट इज एंटरिंग दैट मैग्नेटिक फील्ड. तो नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप हुई जब, तो देर विल बी रिपल्शन, जिसके कारण क्या हुआ था? देर इज डैम्पिंग. अब हुआ क्या? ये करंट जैसे जनरेट होते हैं, व्हाट विल हैपन, तो कॉपर प्लेट जब भी ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे या लीव करे, ऑब्वियसली देयर इज अ चेंज इन द फ्लक्स, उसके कारण यहाँ पे एडी करंट जनरेट होते थे. नाउ अगर हम उस कॉपर प्लेट में रेक्टेंगुलर स्लॉट्स बना दें, ऐसे स्मॉल स्मॉल रेक्टेंगुलर स्लॉट्स बना दें कॉपर प्लेट में, व्हाट विल हैपन नाउ? इफ स्लॉट्स आर मेड इन द प्लेट्स, एरिया अवेलेबल विल बी लेस. अब जो करंट को, एडी करंट के लिए जो एरिया अवेलेबल होगा वो लेस हो जाएगा, उस कारण क्या होगा? एडी करंट रिड्यूस हो जाएंगे. और एडी करंट के रिड्यूस होने से क्या होगा? एडी करंट के रिड्यूस होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग विल आल्सो रिड्यूस. नो, अगर एडी करंट की इंपॉर्टेंस क्या है? अब एडी करंट की इंपॉर्टेंस से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि एडी करंट के कारण होता क्या है. एडी करंट के कारण हीट जनरेट होता है. सो एडी करंट्स में क्या होता है? हीट लॉस होता है. एडी करंट्स आर अनडिजायरेबल माने जाते हैं, बिकॉज इन मेटेलिक कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स या इलेक्ट्रिक मोटर्स या ऐसी जितनी भी डिवाइसेस हैं, मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, दे आर बाउंड बाय द मेटेलिक कोर, एंड दिस करंट हीट अप कोर एंड डिसिपेट इलेक्ट्रिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट. हीट लॉस में एनर्जी चले जाती है. दे कैन बी मिनिमाइज्ड बाय लैमिनेशन ऑफ मेटल्स सच एज, इस तरह लैमिनेट किया जाता है कि प्लेन ऑफ लैमिनेशन क्या हो? Parallel to magnetic field ho to reduce the impact of heat. So this lamination part, क्यों metallic core को laminate किया है transformers के, we will study in transformers also, जब transformer topic आएगा. लेकिन अभी हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि जितने भी metallic core इसमें यूज होता है, like transformer, electric devices, like generators and all, तो वहां पे motor में, sorry. So this basically यहाँ पे क्या होता है? They can be minimized by laminating the metal, such as plane of lamination is parallel to the magnetic field. Now students, इसके uses क्या हैं? Uses हैं अपने इसमें eddy currents के, they are very useful also. अब जैसे आपके हम बात करते हैं electromagnetic train की, powered by electric current. Electromagnetic train powered by rails, उसकी power rails in some electrically powered trains में जो रेल्स होती है, तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिचुएटेड अबव द रेल्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट सिचुएटेड अबव द रेल्स, अबव द रेल्स ऑफ
rails in some electric way of electric power trains of electric powered trains. तो electric powered trains में electromagnetic situated of the rails of electric powered trains when electromagnetics are activated, eddy currents are induced. जैसे ही electromagnets are activate होंगे eddy currents produce होंगे, लेकिन वो eddy currents करेंगे क्या? The rails will oppose the motion of train. Eddy currents के develop होने से obviously these current will be a circulating current and again it will be opposed the motion of train. ये motion of train को oppose करेंगे ताकि क्या होगा, ब्रेकिंग इफेक्ट विल बी स्मूथ. सो इट इज इजी टू अप्लाई ब्रेक्स. वैसे इलेक्ट्रिक फर्नेस में यूज होते हैं ये. गैल्वेनोमीटर का एक फिक्स मेटेलिक कोर होता है. व्हेन कॉइल ऑसिलेट, जब गैल्वेनोमीटर की कॉइल, इन केस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल इज वेरी सेंसिटिव. जब उसकी कॉइल ऑसिलेट करती है, व्हेन द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर oscillates, then what will happen? Eddy currents are generated in the core. जिस metallic core के साथ galvanometric coil को fix किया होता है, वहाँ पे क्या generate होते हैं? Eddy currents. अभी हमने बात भी की थी कि eddy currents are generated in the metallic core. तो होगा क्या? जैसे ही वो metallic core में generate होंगे, तो what will happen? Now the galvanometer opposes the motion. उस core से opposing motion आएगा and coil comes to rest quickly. और coil भी क्या जाएगी? Coil of galvanometer comes to rest. So there are many other applications also. बहुत सारी applications हैं eddy currents की. And likewise यहाँ हमने दो discuss की. There are other applications also. So students, I hope the idea is quite clear. Revise them thoroughly.